गांधी फिल्म में जो बेन किंग्सली सर ने जो अभिनय किया है, मैंने सिर्फ वो सारी चीजें दिमाग में रखी कि देखो यार गांधी ना बहुत ही शांत, बहुत ही प्योर, वो सारी चीजें आप अपने 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 में आप उन्हें वो सारी चीजें अपनाएं, और फिर जो भी आप बोलें, तो मैं जैसे ही डायलॉग आता है बोलना शुरू करता था ना, तो मैं बेन किंग्सली सर को अपने दिमाग उनकी पिक्चर बना लेता था। मैंने कहा बेन किंग्सली सर कैसे इस लाइन को बोलेंगे, वो प्योरिटी, उस नम्रता, उस सफाई, उस साफ दिल से। वो तो इतना ही पता है ना कि इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, कि भैया गांधी जी बोल रहे थे भैया नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस, ये बोलते भाई नो नॉन वायलेंस, बंदूक तो। सो एक अलग आइडियोलॉजी थी। सर, बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना है, ये जो आपकी मूवी आई है वीर सावरकर, ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म है, तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, प्रोपोगंडा, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि किस बात का प्रोपोगंडा, मतलब क्या प्रोपोगंडा। कि मतलब मुझे तो मैंने सिर्फ दो हाँ बार देखी है, उसमें करेक्ट ऐसा कुछ है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं। बस उसकी ओके आइडियोलॉजी को बताया गया है कि हिंद हिंदू कौन है, कि भैया जो हिंद में विश्वास करता है वो हिंदू है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं करेक्ट कि इट्स एंटी एनी रिलीजन। और ये बताया कि आइडियोलॉजी, हाँ भाई, वो कैसा चाहता था आजादी, की आजादी हम फटाफट ऐसे हासिल कर सकते हैं, और गांधी जी की आइडियोलॉजी, यार ये नॉन वायलेंस समझ में नहीं आता है। तो इसमें प्रोपोगंडा तो है ही नहीं, इट इज जस्ट कि वो जो लोगों को जनरल पता है कि जैसे काफी ट्रोल्स में मैंने देखा है कि वो अंग्रेज का पिट्ठू था। मैंने कहा यार पिट्ठू क्यों कह रहे हो यार, अंग्रेज तो डरे हुए थे, तो क्या पिट्ठू था उसका। सर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर, कि आप सर इतने अच्छे दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड, यू नो यू आर सो फिट, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट सर? अच्छा, तो सुबह सुबह मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीता हूँ, चाहे वो ओके 40 डिग्री टेम्परेचर हो बाहर का या फिर 5 डिग्री टेम्परेचर हो, मुझे गर्म पानी चाहिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, ओके और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी हैं साथ में। ठीक है, और ओके तीसरा वो जीन्स होते हैं ना, GENES, मॉम अपने पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो है। ओके चौथा, मैं घर का खाना खाता हूँ, बेसिक खाना खाता हूँ। ठीक है, जंक नो जंक फूड ऑल नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब कभी कभार। ठीक है, पांचवा, ओके मैं रोज 90% ईमानदारी से सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, जिम नहीं जाता हूँ, मैं ऐसी फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। और छठा, ओके मेरा मेरा मन साफ है, मेरा दिल साफ है। ओके सेकंड क्वेश्चन सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था रिसेंट में, अभी आपकी एक मूवी आई है वीर सावरकर, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज द होल जर्नी, एंड उसमें आपने गांधी जी का रोल प्ले किया है, सो हाउ वाज द जर्नी सर? तो यार एक्सपीरियंस बहुत ही धासु था, मेरी पहली बार लाइफ में इतने 30 साल का जो मेरा अनुभव रहा है इस एक्टिंग की दुनिया में, पहली बार इतनी मेरी तारीफ हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांधी जी का रोल करना आसान काम नहीं है भाई, मुश्किल काम है। तो करेक्ट करेक्ट डेफिनेटली पूरी तैयारी अपनी तरफ से की थी मैंने, बहुत सारी ओके गांधी जी की फुटेज देखी थी, फिर रिचर्ड एटनबरो साहब की एक फिल्म है गांधी, जिसमें बेन किंग्सली सर ने काम किया था, तो उनको ओके मैंने बहुत बारीकी से उनको जरा देखा, स्टडी किया। और फिर रणदीप हुडा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, तो ये सबका, और ऊपर से हाँ मैंने वजन भी कम किया 7 किलो, और कम खाया, क्योंकि रणदीप डायरेक्टर का मानना था कि भाई
जब तक मैं गांधी जी जैसे खाया पीऊंगा, मेरा खान पान उनकी जैसे नहीं होगा तो उनके जैसे आप दिखेंगे वो फिर हाँ मतलब वो, क्योंकि भरा पेट एक्टिंग अलग होती है, खाली पेट एक्टिंग अलग होती है। और गांधी जी नहीं। बहुत हार्डली कुछ बेसिक सा खाते थे, फास्टिंग करते थे, तो वो सारी सिंपल चीजें फूड। हाँ की। तो करेक्ट करेक्ट। अव्वल नंबर से निकला है भाई, किस्मत हमारी, हमारी मेहनत। थर्ड क्वेश्चन इज दिस सर, आपने गांधी जी का रोल प्ले किया, तो गांधी जी के रोल के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? तो एक्चुअली ज्यादा समय नहीं मिला मेरे को, क्योंकि पहले कोई और कर रहे थे गांधी जी का रोल, फिर डायरेक्टर को वो थोड़े से पता नहीं पसंद नहीं आए किसी वजह से, फिर मुझे कास्ट किया गया। फिर मुझे 20-22 दिनों में कहा गया कि भाई तू वजन कम कर, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके तो मैंने कहा यार, मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, मैंने कहा यार गांधी जी का रोल करूंगा और बाय चांस अच्छा नहीं हुआ तो बड़ी गालियां पड़ेंगी। गालियां पड़ जाए। तो फिर मैंने कहा यार लाइफ इज ऑल अबाउट अ चैलेंज, लाइफ इज यू नो इट्स द वे यू लुक एट लाइफ, कि भाई एक जिंदगी है, अगर अपने आप को आप चैलेंज नहीं करोगे तो फिर आप जिंदगी जी नहीं आपने। तो फिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं सीधा समुन्द्र में, बोलते हैं ना आप स्विमिंग पूल में कूद जाओ और आप तैरना सीख जाओगे, तो वैसे ही कुछ हुआ। स्पॉन्टेनियस नहीं तैयारी हुई ना यार, तो मतलब ऑब्वियसली इंस्टेंट जैसे अब गांधी जी, मेरी जो जानकारी है गांधी जी के बारे में वो है कि बहुत ही सिंपल आदमी थे, बहुत ही नम्रता नम्रता से बातें करते थे, सबको। हाँ बहुत सादगी थी उनकी उनके जीवन में, और जब कुछ ठान लेते थे, निर्णय ले लेते थे तो अपनी जान डाल देते थे उसमें। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, अरे दांडी मार्च हो गया, नाली और जो बेसिकली अब गांधी फिल्म में जो बेन किंग्सली सर ने जो अभिनय किया है, मैंने सिर्फ वो सारी चीजें दिमाग में रखी कि देखो यार गांधी ना बहुत ही शांत, बहुत ही प्योर, वो सारी चीजें करेक्ट। आप अपने 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 में आप उन्हें वो सारी चीजें अपनाएं और फिर जो भी आप बोले। तो मैं जैसे ही डायलॉग आता है बोलना शुरू करता था ना, तो मैं बेन किंग्सली सर को अपने दिमाग उनकी पिक्चर बना लेता था। बेन किंग्सली सर कैसे इस लाइन को बोलेंगे, वो प्योरिटी, उस नम्रता, उस सफाई, उस साफ दिल से, उस दृढ़ता से। तो बस वो मैंने उनको कॉपी किया और फिर निकलना है भाई। सर टेक्स्ट बुक्स में जो भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे स्टडी में, उसमें वीर सावरकर जी को इग्नोर किया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ यार वो क्यों क्यों इग्नोर किया गया वो मुझे नहीं पता यार। अब इस पर बहस हो सकती है, इस पर हाँ मतलब अगर अंग्रेज हो, अंग्रेज मतलब वाकई में डरे हुए थे कि उनको भाई इस आदमी को काला पानी भेज दो। तो अगर ये सो कॉल्ड मेनलैंड में रहेगा तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और हमें परेशानी आएगी, तो इसलिए इसको काला पानी भेज दो। तो जो भी काला पानी गया है डेफिनेटली या तो वो हार्ड क्रिमिनल रहा है, या फिर अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्रिमिनल रहा है तो फिर उसकी पॉलिटिक्स काफी जबरदस्त वाली पॉलिटिक्स होगी, जिसकी जो जो कि तो कारण होगा। अंग्रेज लोगों के लिए बहुत ही डर वाली पॉलिटिक्स होगी कि भाई इसको यहाँ से निकालो। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेटली यार अब ये चीजें एक्चुअली इनका रिसर्च करना चाहिए कि यार एज टू क्यों हिस्ट्री बुक्स में हमें ज्यादा इनके बारे में बताया नहीं गया। और इनकी मतलब हाँ वो तो इतना ही पता है ना कि इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, कि भैया गांधी जी बोल रहे थे भैया नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस, ये बोलते भाई नो नॉन वायलेंस, बंदूक दो। सो एक अलग आइडियोलॉजी थी। करेक्ट तो अगर उनकी आइडियोलॉजी ये थी तो इसमें बुरी बुरी बात क्या है?
ये उनका जो था तो इसको बताओ कि हाँ कि ये था ये नहीं था. एनीवेज ये बड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. कुछ बोलूंगा वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा और मतलब मेरा हक ही नहीं बनता है कुछ बोलने का एक्चुअली बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट. सर बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना है ये जो आपकी मूवी आई है वीर सावरकर ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं प्रोपोगंडा, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि किस बात का प्रोपोगंडा, मतलब क्या प्रोपोगंडा. मुझे तो मैंने सिर्फ दो बार देखी है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं उसको. बस उसकी आइडियोलॉजी को बताया गया है कि हिंद हिंदू कौन है, कि भैया जो हिंद में विश्वास करता है वो हिंदू है, चाहे वो सिख हो मुसलमान हो ईसाई हो. तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि इट्स एंटी एनी रिलीजन. और ये बताया कि आइडियोलॉजी, हाँ भाई वो कैसा चाहता था आजादी, की आजादी हम फटाफट ऐसे हासिल कर सकते हैं, और गांधी जी की आइडियोलॉजी यार ये नॉन वायलेंस समझ में नहीं आता है. तो इसमें प्रोपेगेंडा तो है ही नहीं, इट इज जस्ट कि वो जो लोगों को जनरल पता है कि जैसे काफी ट्रोल्स में मैंने देखा है कि वो अंग्रेज का पिट्ठू था. मैंने कहा यार पिट्ठू क्यों कह रहे हो यार, अंग्रेज तो डरे हुए थे तो क्या पिट्ठू था उसका. I don't know. So I'm not an expert again. मतलब क्या फायदा है ये ऊपर ऊपर से बातें करने का. करेक्ट सर. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रणदीप हुड्डा जो आपके मूवी के डायरेक्टर भी हैं सर? यार 50% क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर रणदीप हुड्डा को दूंगा यार. मतलब उसको पूरा क्लियर था कि एक तो बड़ी प्यारी फिल्म बनाई है उसने. Okay. और क्योंकि मेरा क्योंकि गांधी जी स्पेशली जो ओल्ड गांधी है, यंग गांधी तो मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुई, ओल्ड गांधी भैया ओल्ड गांधी कैसे पेश आए, कैसे डिलीवरी बोले, क्या क्या जेस्टर्स होने चाहिए और मूड क्या है उस सीन का. और स्पेशली डबिंग स्टूडियो में वो क्या होता है कि आप जब जब एक्टिंग करते हो ना तो आप एक तो मैं खुद भूखा था आधा पेट खाली था मेरा, ऊपर से आपने गेटअप किया हुआ है, आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो 60-70% काम तो आपका वहां पे हो गया है और 30% आप अपने आपने एक्टिंग कर ली. ठीक है एक्टिंग, यही चीज आपको डबिंग स्टूडियो में जब रिक्रिएट करनी पड़ती है तो भाई वो मेरा वीक पॉइंट है, मैं नहीं रिक्रिएट कर सकता हूँ. स्पेशली एक डिफिकल्ट कैरेक्टर है यार, जैसे अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी ऐसी बातें ऐसे ही बोलना है तो डबिंग स्टूडियो में बोलना आसान है मेरे लिए, आसान है, बहुत आसान है. लेकिन आप एक कैरेक्टर को आप क्योंकि वो आप राजेश खेरा नहीं हो, आप गांधी हो, आप उसको वापस वापस उसको आपको यू नो. तो वहां पे रणदीप ने एक्चुअली बच्चों के हाँ बच्चों का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराते हैं ना, वैसे ही उसने डबिंग स्टूडियो में मुझसे वैसे ही डबिंग स्टूडियो में उसने मेरे को हाथ पकड़ के मतलब उसने पार करवाई मेरी नैया, नहीं तो मैं नहीं कर पा रहा था. मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा, अब करेगा तू, क्यों नहीं हो रहा, चल. तो अच्छा सर आपने कुछ बायोपिक्स की है, हिस्टोरिकल फिल्म्स की है, जैसे शहीद हो गई, ठाकरे हो गई और अभी रिसेंट में ये मूवी आपने की है, तो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन और जैसे जैसे ऑफर होते गया आपने किया? नहीं यार कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है यार अब तक. ओके तो मेरी लास्ट फिल्म थी गदर पार्ट 2, उसमें मैं कर्नल नजीर पाकिस्तानी आर्मी वाला बना हुआ था, उसमें एक सीन था लेकिन कड़क सीन था. फिर बबली बाउंसर में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ था, थोड़ा सा अगेन थोड़ा करप्ट वाला मजाकिया पुलिस ऑफिसर था. तो उसके पहले वो सत्यमेव जयते जॉन अब्राहम पार्ट 1, उसमें मैं
फेवरेट मूवी है सत्यम में विजय में जो आपने कैरेक्टर किया है जस्ट हमारे पूरे फैमिली को पसंद है ये मूवी तो इट वाज जस्ट और आपका तो रोल मुझे बहुत सही लगा था सर इसमें सही मतलब हाँ तो उसे गंदा लीचड़ आदमी कॉप पुलिस वाला कॉप तो आपने तड़प फिल्म आई थी अभी जिसमें सुनील शेट्टी सर का लड़का इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें भी मेरे को पुलिस का रोल मिला उसमें भी थोड़ा सा कड़क करप टाइप दिखाया है तो मतलब चार फिल्मों में मुझे यूनिफॉर्म पहना दी पुलिस की नहीं तो आर्मी वालों की तो मुझे अच्छा लगता है यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है तो और ऐसे रोल्स पता नहीं क्यों नेगेटिव रोल्स मेरे लिए बहुत आसान होते हैं बट पर्सनली आप बहुत पोलाइट है सर विजावेज अगर कंपेयर करें ऑन स्क्रीन तो पर्सनली तो आप बहुत पोलाइट है बहुत ज्यादा पोलाइट है सर तो यार वो मैं इंसान अच्छा हूँ यार ओके ओके सर आप एक्टर हैं आपने ओटीटी पे भी काम किया है आपने मूवीज भी की है आपने टीवी भी किया है तो क्या चैलेंजेस है हर इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस है सर तो चैलेंजेस काम मिलना खुद ही एक चैलेंज है यार काम इतना आसानी से नहीं मिलता एक्टर्स को यार अनलेस आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ और फिर उस मुकाम पे जब पहुंचते हो तो फिर काम अपने आप आता है लेकिन एक्टर के लिए जब तक एक नाम बनाना बहुत कठिन हो गया है नहीं इतना सारा टैलेंट है यार मार्केट में अब किस किस को मौका मिले किस किस की किस्मत खुले तो पहले तो काम अच्छा काम मिले फिर उसको अच्छी तरह निभाओ फिर वो प्रोजेक्ट चलना चाहिए इंडस्ट्री वाले देखना चाहिए उस प्रोजेक्ट को आपको जब देखेंगे तो आप उनको नजर आएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे फिर आपको वो दिमाग में रखेंगे फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स आएंगे प्रोजेक्ट देखेंगे हाँ उनको अच्छा काम लगेगा आपका तो ही वो आपको दिमाग में रखेंगे और आपको तो ये बहुत ही वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग वर्ल्ड है ओके ओके सर सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन नेपोटिज्म नेपोटिज्म यार अलाउड है यार क्या होता है कि पहला मौका तुम्हें फ्री में मिल जाएगा उसके बाद तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा ना यार पड़ेगा वो गए दिन की एक के बाद एक मौका मिलेगा नहीं ठीक है यार अलाउड है आपको मौका मिलेगा आप फिर अपना देख लो उस मौके को अगर आपने नहीं अच्छी तरह निभाया या फायदा उठाया तो गया आप सर आपके कोई ऐसे को एक्टर हैं फेवरेट या फिर कोई डायरेक्टर जो आपके फेवरेट हो यार बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है यार इंडस्ट्री में तो अपना जोया जी रीमा खाकती बहुत ही एसएल स्टूडियोज क्या काम कर रहे हैं यार वो क्या मतलब इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं अभी मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म वो है गली बॉय है यार क्या सब्जेक्ट और कैसी कास्टिंग है उसमें और कैसे उन्होंने दर्शाया फिर अभी जो बहुत सारा किस किस के नाम लूंगा मतलब भरा हुआ है अपना पूरा बॉलीवुड भरा हुआ है टैलेंट से सर टू लास्ट क्वेश्चंस एक तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते के बाद आपको लोग ज्यादा जानने लगे या पहले भी जानते थे फाइनेंस कैरेक्टर क्या फायदा घास नहीं डाली मुझे वो सेम प्रोड्यूसर ने मुझे रोल नहीं दिया अपने वो इतना काम करता है वो हाँ करेक्ट तो भाई वही कह रहा हूँ ना ये गेम अलग है यार मतलब किस्मत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी रोल हो गया अभी मैंने जैसे आपको अच्छा लगा मेरा अभिनय 100 करोड़ का धंधा किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच वॉज बिग और उसके तारीफ भी मिली डायरेक्टर ने मेरी बहुत तारीफ की प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज भेजा उसने तारीफ की लेकिन उसके बाद उसने मुझे कभी बुलाया नहीं कभी मुझे और इतना काम करता है वो प्रोड्यूसर सो पता नहीं सारा खेल किस्मत का है जी ये कह सकते हैं हम लोग कि ये सारा खेल किस्मत का है किस्मत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार पता नहीं है या तो वो लोगों को गेम खेलनी आनी चाहिए यार मुझे नहीं आती गेम खेलनी करेक्ट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मतलब आप अभी और क्या कौन सा काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आगे मूवी सोच रही या यार एक
एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, राजेश मापुस्कर का नाम सुना है आपने? वो राजू हिरानी जी के साथ बहुत काम करते हैं, उनके एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने काफी मराठी फिल्म्स बहुत बनाई हैं। एक फिल्म देखना तुम, वेंटिलेटर, मराठी में है और सबटाइटल्स हैं। वैसे बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर है, तो उसके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं है यार, हम काम करने के लिए बैठे हैं। अच्छा काम मिलना चाहिए, अपनी मर्जी का काम मिलना चाहिए। मतलब काम करने के लिए मैंने, जैसे एक रोल ऑफर हुआ मुझे, वो रोल पसंद नहीं आया, मैंने मना कर दिया, नहीं यार। मैंने कहा यार बहुत बोरिंग रोल है यार ये तो। तो अंदर से ना एक आर्टिस्ट, हाँ अंदर से आना चाहिए कि ना ये कोई ऐसा काम करना है। हाँ कि भाई दो लाइनें बोलूं, लेकिन वो दो लाइनें में ही एक क्या मतलब कमाल हो जाना चाहिए। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग यू नो गिविंग अस टाइम एंड टेकिंग अस थ्रू ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच सर। चल फिर मुझे भेजना जहाँ जहाँ तू दिखाएगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चल ओके, गुड नाइट। Bye. Good night. Okay.